हमने आपको बताया था पृथ्वी की वार्षिक गतियां और दैनिक गतियां, उससे होने वाले पृथ्वी परिवर्तन। तो उसमें मैंने एक टॉपिक बताना भूल गया, उसके लिए कह रही जाने के लोग अंदर बाहर हो रहे थे तो मेरा ध्यान उधर चला गया, अब मैं भूल गया। तो उसमें यह था कि दोनों ध्रुव पे आपने सुना भी होगा कि 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। तो ये कैसे होता है? अब आपने देखिए पृथ्वी अपनी धुरी पे चक्कर लगा रही है, लगाते लगाते सूर्य का चक्कर पूरा किया, फिर कैसे 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है? चलिए इसको हम बहुत ध्यान समझने का प्रयास करते हैं। अब शुरुआत करते हैं 21 जून से। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी चमकती है उस समय 21 जून होता है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन, इसलिए इसी दिन विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। अब देखिए पृथ्वी इस तरह से अटक गई, यही है ना, 37.5 डिग्री झुकी है, इसको हटा लेते हैं। ये ऊपर का हिस्सा 66.5 डिग्री के ऊपर का हिस्सा ध्रुव कहलाता है। अब इस हिस्से में देखिए यह हिस्सा पूरा उत्तरी ध्रुव है और यह हिस्सा दक्षिण ध्रुव। अब उत्तरी ध्रुव पे दिन और दक्षिण ध्रुव पे क्या है? पृथ्वी देखिए इस तरह से चक्कर लगा रही है, चक्कर लगाते हो क्या हुआ, नीचे बढ़ी और नीचे बढ़ी। तो देखिए इसी क्षेत्र पे क्या हो रहा है, दिन, और निचले क्षेत्र पे रात। यहां भी आइए देखिए 23 सितंबर को उत्तरी ध्रुव पे दिन, दक्षिण ध्रुव पे, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी चमक रही है ना, पृथ्वी इस तरह चक्कर लगा रही है, ऊपर दिन और नीचे। यहां पे आइए देखिए यहां तक उत्तरी ध्रुव पे दिन, दक्षिण ध्रुव पे रात। लेकिन जैसे ही हटा देखिए 22 दिसंबर आया, अब देखिए कंडीशन बदल गई, अब यहां पे दक्षिणी ध्रुव पे दिन और उत्तरी ध्रुव पर रात। अब देखिए ये पृथ्वी इस तरह चल रही है, यहां पे दिन यहां पे रात, देखिए इस तरह चल रही है, नीचे दिन ऊपर रात, नीचे दिन ऊपर रात, नीचे दिन ऊपर रात। ये ऐसा कहां तक चला, नीचे दिन ऊपर रात, ये स्थिति कहां तक, यहां तक आएगी। इस प्रकार यहां से लेके यहां तक उत्तरी ध्रुव पे दिन और यहां से लेके यहां तक दक्षिणी ध्रुव पे दिन, इसका मतलब 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात। दोनों ध्रुवों पे 6 महीने के दिन होती है, 6 महीने की रात, क्योंकि वही हिस्सा 6 महीना सूर्य के सामने रहता है और दूसरा हिस्सा 6 महीना सूर्य के पीछे रहता है। इसलिए जो हिस्सा सूर्य के सामने पड़ता है वहां दिन, और जो हिस्सा सूर्य के सामने नहीं पड़ता वहां पे रात होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब वहां रात रहती है तो लोग कैसे रहते हैं, रहने की कोई नहीं है, जैसे नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप है, वहां 3 से 4 हजार मोटी बर्फ की चादर है, वहां पे एक और रिसर्च सेंटर है, किसके हैं, तीन, पूछा भी है यूपीटेट में, कौन कौन, गंगोत्री, मैत्री, अभी हाल ही में खुला भारती, तीन रिसर्च सेंटर है वहां केवल। परिंदा भी पर नहीं मारता वहां, जिएगा कहां से, वहां पे कुत्ते गाड़ी खींचते जो स्लेज कहते हैं, ठीक। तो जब जब रात तो होता है उत्तरी ध्रुव पे, कनाडा और साइबेरिया में एक जनजाति रहती है जिसे एस्किमो कहते हैं, इग्नू घर में रहते हैं जो अर्धवृत्ताकार होता है, ठीक। आप हार्पून जिसे शिकार करते, जिसे पूछता है प्रश्न, शिकार जिसे करते हैं, हड्डी का नाव बना के रहते हैं वो, और सील का शिकार करते हैं, उनके चमड़े का इस्तेमाल कैसे करते हैं, उनके घर बर्फ के घर बर्फ में रहते हैं, फिर कैसे गर्मी पैदा करते हैं, ये सब बड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है, इसको हम अभी नहीं समझाएंगे। मेरा बस इतना था, दिन और रात, 6 महीने के दिन 6 महीने की रात कैसे होती है। लेकिन एक बात और यहाँ पे है कि जब वहां पे रात होती है लोग कैसे देखते हैं, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि अब जब वीडियो बनाए रहे तो एक मिनट और लग जाए। सूर्य से में जो ऊर्जा आती है वो नाभिकीय संलयन द्वारा आती है, नाभिकीय संलयन, और सूर्य भी अपनी धुरी पर चक्कर लगाता रहता है। तो कभी कभी जैसे आप ठंडी में आग जलाई, आग तो आग जल्दी जल्दी चिंगारी ऊपर भी निकल जाती है, कैसे, जलाते रहिए ना, चिंगारी क्या होती है ऊपर तक आती है, फिर बुझ जाती है, फिर राख के रूप में आगे बढ़ जाती है, ऐसा होता है। तो सूर्य के चक्कर लगाते लगाते कभी कभी कुछ ज्वाला बाहर निकल जाती है, इसे कहते हैं सौर लपटे। क्या कहते हैं, सौर लपटे या सौर कलंक। वह सौर कलंक लगभग 11 वर्षों में एक बार निकलता है, और जब वो पृथ्वी की तरफ बढ़ता है, जैसे नाचते नाचते जब पृथ्वी कक्षा की तरफ बढ़ता है, तो पृथ्वी की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, वो अपनी तरफ खींचती है। वो इतना खतरनाक होता है कि जहां पे पड़ जाएगा उसे क्या करे, पूरा झुलसा देगा, पूरा जला देगा, ठीक। तो ये हर वर्ष निकलती है, इसकी खासियत है जब ये सौर कलंक निकलती है, ठीक, तो भारत या पूरे विश्व में जितनी भी यांत्रिक चीजें होती हैं कुछ सेकंड के लिए काम करना बंद, घड़ी भी बंद हो जाती है। ये 11 वर्ष में एक बार होता है, घड़ी बंद, जहाज बंद, मशीन बंद, पंखा बंद, कुछ सारी मशीनें, क्योंकि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसकी वजह से पूरे विश्व का जितनी भी चीजें होती यांत्रिक कुछ नैनो सेकंड के लिए काम करना बंद कर देती है, जिससे अभी घड़ी पीछे हो जाती है। बाद में 400 वर्षों के बाद मिलाकर एक दिन बढ़ाते हैं, जिसे कहा जाता है शताब्दी लीप ईयर्स या शताब्दी अधिवर्ष। आपको जान के हैरानी होगी, जो 400वां वर्ष होता है उसकी फरवरी 29 की होती है। जैसे एक क्वेश्चन ही पूछा, लिखित का सिलेबस दिए, अगर पूछ दिया जाए 1600, 1700, 1800, 1900 में से निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है, चारों भैया, जो चार से कट जाएगा वही लीप वर्ष ना, बचपन से यही पढ़ते आए हम लोग, चारों कट जाएगा
तो चारोली पोर्स है? नहीं, जब शताब्दी की बात आती है तो वहां पे 400 से कटना चाहिए, 400 से कटेगा केवल 1600, तो 1600 आपका, इसे कहा जाता है लीज शताब्दी वर्ष। और बाकी सभी क्या साधारण वर्ष, इसमें 365 दिन होंगे, फरवरी 28 की होगी, केवल इसकी फरवरी 29 होगी, जैसे 2000 साल, ये भी 400 से डिवाइड हो जाएगा, तो यही जो नैनो सेकंड होता है वही लास्ट में जाके जोड़ा जाता है, तो जाके बन जाता है पूरा एक दिन। वो लंबा कॉन्सेप्ट कैसे कैसे जोड़ा जाता है, तो वह जब निकलता है तो पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी के पास भी एक कवच होता है, सुरक्षा कवच। जैसे आपको बस इतना ही पता होगा कि कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाए तो कहाँ आती है, इसे किसने बताया था, क्या नाम दिया था, गुरुत्वाकर्षण नाम दिया था, लेकिन इसके पहले भारतीय विद्वान बता के मर गए बेचारे, वराहमिहिर, उन्होंने ये बता दिया था कि पृथ्वी के अंदर कोई ऐसी शक्ति है जो कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाए तो नीचे है, लेकिन वो नाम नहीं दे पाए और पेटेंट नहीं करा पाए, इसलिए नाम किसका पढ़ते हम लोग, जबकि इनसे 1500 साल पहले, मतलब इनसे 1000 साल 1500 साल पहले बेचारा बता के मर गया। बरा, बरा माने सुअर होता है, उनका नाम था मिहिर, उन्हें बरा की उपाधि मिली थी, ठीक, वो लंबी कहानी फिर हो जाएगी। तो जो हमारे गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है वो किसी वस्तु को खींचता अपनी तरफ, लेकिन पृथ्वी के पास एक चीज और होती है, इसे कहा जाता है रेडियो धर्मिता पदार्थ, जिससे पृथ्वी के अंदर स्वतः ऊर्जा उत्पन्न होती है। वो क्या करता है, पृथ्वी के चारों तरफ 400 किलोमीटर का एक लंबा रडार या घेरा बनाता है, इस तरह से जो अदृश्य, जो हमें दिखाई नहीं देता, जैसे आप फोन से बात करते किसी की आवाज थोड़ी जाती दिखाई देती है, वो रेज होती है, और रेज भी आप लोग पढ़ेंगे साइंस में, देखिए कभी कभी आप समाचार सुनिए बताया जाता है इतने गीगाहर्ट्ज के लॉन्ग वेव, शॉर्ट वेव, तो वेव्स जो होती है उसकी भी लंबाई होती है, जैसे 2G चलाते तो उसकी स्पीड कितनी थी, मोबाइल वाले तो समझ जाएंगे, 3G 4G, तो ये इसकी स्पीड होती है, जैसे ये देखिए वेव्स होती है ना, इसकी स्पीड होती है, इसी से हम लोग लेते हैं 2G है, 3G है कि 4G है, यही होता है। तो ये क्या करता है, चारों तरफ क्या बना के रखता है, एक कवच बना के रखता है, जब आके टकराती है सौर लपटे क्या होती है, दो भागों में डिवाइड हो जाती है, जो उत्तर की तरफ जाता है उसे कुमेर ज्योत कहते हैं, जो दक्षिण तरफ जाता है उसे सुमेर ज्योत कहते हैं, क्या कहते हैं, कुमेर ज्योत। और जब ज्योत ऊपर की तरफ बढ़ता है तो एक आग ऊपर से जाएगा कैसा दिखेगा, जैसे आप लोग जब उल्का पिंड जमीन पर आता है तो सूर्य वायुमंडल रगड़ खा जाता है तो प्रज्वलित हो जाता है, इसे आप कहते हैं तारा टूट गया, मनोती मान लीजिए और पूरी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ये सीटेट ने पूछा क्वेश्चन है, ये क्या होता है, ये उल्का पिंड है, कौन सा, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक क्षुब्ध ग्रहों की बेल्ट है, इसे एस्ट्रोनॉट बेल्ट कहते हैं, उस बेल्ट से कभी कभी क्या होता है कुछ भटक के रास्ते चले जाते, जैसे कभी कभी आपके घर कोई भटक के पहुंच जाता है कि बाबा के नाम में कुछ दे दीजिए, उसी तरह बेचारे पहुंच जाते हैं, अगर उनकी आकार छोटे हैं तो वह आते समय भारत जो वायुमंडल होता है उसे रगड़ खाते हैं, रगड़ खाने के बाद क्या होते हैं, जल जाते हैं, वही जलते हुए प्रतीत होते हैं, जिसे कहते हैं टूटता हुआ तारा, लेकिन वास्तव में क्या होता है, उल्का पिंड होता है, और आते आते जल जाता है, जब जल जाता है तो कहते हैं मनोती पूर्ण हो गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक। और तारे के विषय बता दूं, अगर सूर्य को खोखला कर दिया जाए तो 13 लाख पृथ्वी इसमें समा जाएंगे, अगर 13वां लाख हिस्सा टूटेगा पृथ्वी के बराबर टूटेगा, आप लोग कल्पना कर लीजिएगा, मनोती मत मानिएगा, ठीक, ये सब क्या है, केवल अपने आप को गुमराह करने का तरीका है, ठीक। ये होता है उल्का पिंड, तो ये आपको मैंने बताया, और ये चक्कर लगाते रहते हैं, जहां पे जाते हैं वहां पे रात कैसी होती है, चांदनी रात होती है, चांदनी रात क्या होती है, इसे आप सब अपनी भाषा में उजररिया कहते हैं, गांव की भाषा में कहते हैं ना उजररिया चल रहा है, मतलब चांदनी रात होती है, जिस समय सूर्य की किरणें चंद्रमा रिफ्लेक्ट करके पृथ्वी भेजता है पूरा, इसे आप लोग बचपन में करते थे ना, सूर्य की रोशनी को शीशे लेके चारों कोने पहुंचाते थे, वही काम सूर्य चंद्रमा करता है, ठीक। तो वही काम क्या करते हैं, कुमेर ज्योत और सुमेर ज्योत, कुमेर ज्योत उत्तरी ध्रुव पे जब रात रहता है उजाला करता है, और सुमेर ज्योत दक्षिण ध्रुव पे, ठीक, समझ में आ गया आप लोग को, आपको समझ में आ गया, जो लोग देख रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा, और बताते समय कुछ बता दिए हम कितना, चलिए।